तो चलिए अब क्लास 10वीं के बारे में पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 3.3 का। इसे एक में था 9 का क्वेश्चन, इसे दो दो कर करके। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा हो गया, जिसमें दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, बुक उठा लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरा देखने में समय लग रहा है। करेक्ट, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें से m का मान ज्ञात कीजिए। m का वैल्यू ज्ञात है, इसके लिए y का मान दिया गया है, पुनः दिया गया है y = mx + 3। तो हमको m बराबर व्हाट, x बराबर व्हाट और y बराबर व्हाट, यानी पहले x y का मान निकालेंगे, तब हमारे पास किसका वैल्यू मिलेगा, m का मान प्राप्त होगा। तो आइए ध्यान से समझिए, ठीक है। तो सॉल्व करना हो इस क्वेश्चन को, दिया हो 2x + 3y = 11 और अगला क्वेश्चन हो गया 2x - 4y = -24। ये समीकरण एक हो गया, समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। तो समीकरण एक और समीकरण 2 के माध्यम से हम सॉल्यूशन को हल करेंगे। तो आइए ध्यान से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो इसको मैं प्रतिस्थापन विधि से ही बता रहा हूं, तो आइए समझते हैं प्रतिस्थापन विधि। सर, किसी समीकरण से आप बना सकते हैं, थोड़ा आसान के लिए मैं समीकरण 2 से बना रहा हूं इसको। समीकरण 2 से 2x - 4y = -24, -4y = -24, यह प्लस में है तो इधर आएगा क्या होगा, माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यानी -4y = इसमें से -2 कॉमन कर लीजिए, 12 × 24, 2 × 2 कट गया, 2 × 4 यानी 2y = 12 + x, यह गुणा में है तो कहां आ जाएगा, 12 + x/2, और इसका नाम हो गया समीकरण 3। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर यहां हमें प्रॉब्लम हो रहा है, मैं तुरंत आपको अगले वीडियो में आपको सीधा करूंगा। तो इसको क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो हम समीकरण किस में रखेंगे, 1 में। हमारे पास समीकरण कितना है, 2x + 3y = 11, 2x + 3y का मान देखिए हमारे पास दिया है 12 + x / 2 कितना है 2 = 11। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, 2x + 3 से लीजिए, 12 बढ़ती है 36 + 3 से इसमें 3x / 2 = 11, बटा का जोड़ बना लीजिए, 2 1 अलग का कितना, 2 2 का 4x प्लस, ये तो 1 से बन जाएगा 36 + 3x = 11, 22 से 43 से गुणा कर लीजिए, 4 3 कितना हो जाएगा 7x + 36 = 11 यानी 22। इसको उधर ले चलते हैं, 7x = 22 - 36, तो 22 में से 36 घटेगा तो कितना बचेगा, -14 बचेगा, 7 × 14, x का मान कितना दिया -2, कोई दिक्कत। अब इस वैल्यू को किसमें रखेंगे, हम समीकरण 3 में लिखेंगे। समीकरण 3 में x = -2 रखने पर कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप लीजिएगा, मैंने समीकरण में रख दिया। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट ध्यान समझिएगा, ये हमारा y का वैल्यू है, यानी y = 12 + x/2, 12 + x का मान कितना है -2/2, यानी कितना बचेगा, 12 में से 2 बचेगा 10/2, 2 5 10, यानी y का मान कितना आ गया 5, यानी आपके पास y का मान कितना मिल गया 5 आ गया। देख सकते हैं आप कि y का मान आपके पास किस तरह से मिला, दिख रहा है आप लोगों को, मैंने घटा दिया, यहाँ देखिए x की जगह पर -2 का था, 12 में से 2 घटेगा 10 2 5 10, y का मान 5, x का y का मान जब मिल गया तो हमें m का मान ज्ञात करना था। अब प्रश्न से, अब प्रश्न से, प्रश्न कह रहा है y = mx + 2, y का मान 5, m गुने x के मान -2 और mx + 3
थ्री है और निश्चय को तीन है, तो तीन ले लीजिए, ये प्लस में क्या जाएगा, पांच माइनस थ्री बराबर माइनस टू एम, पांच में तीन घटेगा दो बराबर माइनस टू एम, दो एक कम दो एक बराबर माइनस एम, यानी एम बराबर कितना आ गया माइनस वन। तो इसी प्रकार से अपने सारे सवालों को हल किया जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम दिखेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं दोबारा इस वीडियो को अपलोड करूंगा, समझाऊंगा दोबारा।